हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पाई नेटवर्क के बारे में। अगर आपने टैप टू अर्न करके 4-5 लाख रुपए नहीं कमाए तो पाई नेटवर्क में आप इजीली एक सिंगल टैप में माइन करके इसे कमा सकते हो। और भी तरीके से आप इसे माइन कर सकते हो, जैसे कि लोगों को प्रिफर करके और जो टास्क अनलॉक होंगे उनसे, और बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे टास्क है जिन्हें आप इजीली कर पाओगे। और आज के टाइम में लगभग $1 के आसपास इसका प्राइस हो चुका है और आप इसे बेच भी सकते हो। हालांकि ऑफिशियली ये अभी एक्सचेंजेस पर लिस्ट नहीं हुआ है, लेकिन मार्केट में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको इसकी पर्सनली काफी जरूरत है और वो पाई को अपने पास स्टोर करके रखना चाहते हैं। खैर, उसके बारे में कभी और बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर लोग इसे इंडिविजुअली खरीद रहे हैं। पाई अपना एक पूरा इकोसिस्टम लाना चाहता है, ऐसा उनका कहना है। ये एक ऐसा इकोसिस्टम है जिसको आप मोबाइल ऐप के थ्रू ही माइन कर सकते हो और इसको आप एंड्रॉइड और iOS दोनों में ही डाउनलोड भी कर सकते हो। और अगर आप इसके पुराने यूजर हो तो ये आपके लिए बहुत अच्छी न्यूज होने वाली है। लेकिन पहले बात करेंगे उन लोगों के बारे में जिनको पाई के बारे में कुछ ज्यादा नहीं पता या फिर वो लोग पाई में माइन करना चाहते हैं। अगर देखा जाए तो ऑडियंस टैप टू अर्न में काफी ज्यादा हाई है, लेकिन अभी तक ये एयरड्रॉप का पूरा मजा नहीं ले पाए हैं। और जो पाई है ये कैसे काम करता है, वीडियो के एंड तक आप सब समझ जाओगे कि कैसे इसको आपको मल्टीपल यूज करना। iOS और एंड्रॉइड दोनों में डाउनलोड हो जाएगा, तो डाउनलोड करने के बाद सबसे पहले आपको इसमें KYC करना। KYC करने का फायदा ये है कि आप इसे आराम से सेल कर सकते हो। इसका प्रोसेस काफी ज्यादा इजी है, जैसे डॉक्यूमेंटेशन देना, फिर उसके बाद मोबाइल नंबर वेरीफाई करना, email ID वेरीफाई करना। तो ये सब चीजें जो आपको करनी है, जो कि बहुत इजी है, जैसे कि KYC नॉर्मली होती है, जिसके बाद इजीली आप टोकन को सेल या ट्रांसफर कर सकते हो। इनका बहुत बड़ा इकोसिस्टम है, जैसे कि ट्रांसफर करना, वैलिड जनरेट करना, बहुत सारी चीजें। जब आप इसे ओपन करोगे तो आपको एक डेडलाइन दिखाई देगी, वो माइग्रेशन की या KYC करने की डेडलाइन की टाइमलाइन चल रही है। अब बात करते हैं कि जो लोग माइन कर रहे हैं लेकिन किसी रीजन से उनकी KYC नहीं हो पाई है, उनके लिए यहाँ पर एक बहुत अच्छा ऑप्शन है KYC करने का। सबसे पहले उन्हें यहाँ पर क्लिक करना है, फिर उसमें आपको नीचे दिखाई देगा I need help विद my checklist। फिर यहाँ जो आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उसे आप सिलेक्ट कर लेना कि KYC में क्या दिक्कत आ रही है, फॉर्म एंट्री में या सबमिशन में, जो भी प्रॉब्लम है उसे यहाँ सिलेक्ट कर लेना। फिर सबमिट करके कुछ भी एक छोटा सा कमेंट लिख देना कि इस वजह से मैं KYC कंप्लीट नहीं कर पा रहा हूँ, तो आपकी KYC यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। बस पाई अब यही चाहता है कि जल्द से जल्द इसको मार्केट में लाया जाए। और किसी किसी के साथ ही KYC की प्रॉब्लम आती है, वरना ज्यादातर लोगों की KYC इजीली हो जाती है। और इसका बहुत इजी प्रोसेस है, और KYC करने के बाद आप अपने माइन किए हुए टोकन किसी को भी बेच सकते हो, लेकिन बेचने के लिए फिलहाल अभी यहाँ पर कोई भी एक्सचेंज अवेलेबल नहीं है। 2019 से अब तक पाई नेटवर्क अपने प्रोसेस को कंप्लीट करने में ही लगा हुआ है, जैसे कि मेन नेट लॉन्च और KYC करवाना, इन सब में ये लगा हुआ है। लेकिन एक अच्छी बात यहाँ पर ये है कि बहुत सारी कंट्रीज में ये माइन होते होते उन कंट्रीज में इसकी डिमांड बढ़ने लगी है, यानी कि जब आप अपनी पाई किसी को ट्रांसफर करते हो तो उस ट्रांसफर के बदले में वो आपको अपनी करेंसी में कुछ पैसे देता है। उसमें एक रेशियो फिक्स होता है कि आप हमें इतने टोकन दो और हम आपको इतने पैसे देंगे। लेकिन पाई ब्रांड की तरफ से अभी कोई भी सेलिंग यहाँ पर नहीं आई है, ये लोगों ने खुद इंडिविजुअली स्टार्ट किया है। उन्हें ये लगता है कि पाई का प्राइस अभी और भी ऊपर जा सकता है, तो इसीलिए वो इसको अभी अच्छे से अच्छे प्राइस पर खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। तो बस फिलहाल अभी वेट करो और ज्यादा से ज्यादा पाई में माइन करो। ज्यादा कुछ नहीं करना, बस आपको डेली चेकआउट करना और जो भी टास्क है इजी इजी से उन्हें कर लेना। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, और वीडियो अगर यूजफुल लगी हो तो एक लाइक कर देना, और जो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।